गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इट्स अ नाइन्थ क्लास लर्निंग वीडियो। चैप्टर सिक्स हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आज हम लोग उसका एक बचा हुआ क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आए हैं। और चार लाइव क्लासेस में हमने आपको कुछ चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रिविजन कराए हैं। फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आए जरूर पूछिए। जल्दी इस चैप्टर का टेस्ट भी होने वाला है, तो आप लोग इसको तैयारी रखिए। हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करा देंगे, लेकिन आप इसकी तैयारी करते रहिएगा। हम एक दो दिन में आपको इसकी डेट बताएंगे। पहले हम आपको इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराकर इसके एमसीक्यू कराएंगे। और जब तक सब बच्चों का चैप्टर सिक्स इतने कंप्लीट भी हो जाएगा, इतने कुछ बच्चे एमसीक्यू की तैयारी भी कर लेंगे, फिर हम चैप्टर सिक्स का टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आइए, एक बचा हुआ क्वेश्चन हमारा 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका मैंने डायग्राम बनाकर रखा है जिससे हमारा टाइम खराब ना हो, ठीक है। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एक बार बुक में से पढ़ लेते हैं। बुक में क्वेश्चन की क्या कहानी है सुनिए। PQRS आर द टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये देखिए, दो मिरर रखे हुए हैं, एक PQ और एक RS। ये दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल। इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स PQ एट B। AB एक इंसिडेंट रे है जो PQ को स्ट्राइक करती है, उसके बाद ये जाती है RS पर, RS से फिर एक और लाइन चलती है CD। कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि ABCD के पैरेलल, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप इसकी टेंशन मत लीजिए। बच्चे सोचते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको जो जो मैं इस क्वेश्चन के अंदर तरीका बताऊंगा, आप उसी तरीके से अच्छे से आराम से करिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की रीडिंग करने के बाद मैंने सामने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। अब हम लोग इसके जैसा एक और क्वेश्चन था, चलिए अब सुनिए पहले इसके बारे में। दो पैडल मिरर, इस मिरर के परपेंडिकुलर, देखिए मैं एक लाइन बना रहा हूं इस मिरर के परपेंडिकुलर, और इस मिरर के परपेंडिकुलर भी मैं आपस में क्या कर रहा हूं, एक लाइन बना रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। इनकी कोई नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी पी क्यू, और कोई और नाम आर एस, इसका नाम लिख देते हैं एम, और इसका नाम लिख देते हैं एन। तो क्या लिखेंगे, थ्रू बी ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, थ्रू सी ड्रॉ सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। ये देखिए ए, ये देखिए बी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर बनाया बी एम जो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, सी से आपने परपेंडिकुलर बनाया सी एन जो आर एस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब कहते हैं प्रूफ करके दिखाइए, ये ए बी लाइन इस सी डी लाइन के पैरेलल होगी। चलिए थोड़ा सा फिजिक्स में चलते हैं, इस मिरर को बात करते हैं, इस मिरर को, ये देखिए ये मिरर, जिस जब मिरर के ऊपर कोई रे टकराती है ना, कोई रे टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और वो टकराकर जब वापस चली जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो बताइए ए बी इसके लिए इंसिडेंट रे है और बी सी इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। आपने लाइट का चैप्टर पढ़ा होगा 8th क्लास में या 9th में भी आपने शायद पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन 8th में पढ़ा होगा, लॉ के तीन रूल होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका नाम है इंसिडेंट रे, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो इंसिडेंट रे होती है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, ये देखिए एंगल वन, और रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है एंगल टू। तो लाइट का एक फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर मिरर पी क्यू ए बी इज द इंसिडेंट रे, बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो एंगल वन इक्वल एंगल टू, क्या लिखूं ब्रैकेट में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए। तो इसलिए एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल टू के इक्वल होगा। अभी जब देखिए आर एस के लिए, फॉर मिरर आर एस, बताइए आर एस को कौन सी लाइन टकरा रही है, बीसी। तो बीसी जो इसके लिए रिफ्लेक्टेड रहती है वो इसके लिए कौन सी रहे, इंसिडेंट। तो क्या लिखें, फॉर मिरर आर एस, डायरेक्ट लिख दीजिए एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर। ये रही इंसिडेंट रे और ये रही रिफ्लेक्टेड रे, और सेम रीजन। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो नॉर्मल से ये जो दो एंगल बने इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपस में इक्वल होंगे, थ्री फोर के इक्वल होगा। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ठीक। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, जरा ध्यान से देखिएगा। बताइए BM लाइन किसके परपेंडिकुलर है, PQ के। सिंस BM परपेंडिकुलर PQ एंड CM, ये देखिए CM, ये परपेंडिकुलर है किसके, RS के, ये देखिए। सिंस PQ पैरेलल RS, देयरफॉर BM पैरेलल CM। ये समझने की बात है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर इन पैरेलल लाइनों के परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर पैरेलल लाइनों के परपेंडिकुलर होते हैं तो वो खुद भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यहां ब्रैकेट में आप इसका रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे आप इसका ब्रैकेट में, देखिए लाइन्स परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। देखिए लाइंस, ये देखिए लाइंस परपेंडिकुलर टू, ये देखिए परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये परपेंडिकुलर पैरेलल लाइनों के परपेंडिकुलर है तो खुद आपस में भी ये क्या होंगे, पैरेलल। अब जरा बताइए देखकर ध्यान से समझिएगा। अब बताइए सिंस अभी अभी आपने कहा कि BM लाइन और CN पैरेलल है, ठीक, और ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, एंड BC इज द, बोलो क्या, ट्रांसवर्सल। सोच के बताइए कौन बच्चा बताएगा एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। सोच के बताइए 2 3 के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये देखिए 2 और 3, क्या लिखूं ब्रैकेट में, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। ये देखिए आपने अभी बताया कि ये दोनों लाइनें दोनों नॉर्मल पैरेलल है, ये दो नॉर्मल है, ये दोनों पैरेलल लाइनों के परपेंडिकुलर है, इसलिए खुद भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये रही चीज, ठीक। तो 2 का क्रॉस में बना हुआ एंगल 3 आपस में इक्वल हो गया। अब मैं इन दोनों का डबल कर रहा हूं, ये देखिए मैंने डबल कर दिया दोनों तरफ 2 से, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जरा बताइए एंगल 2 का डबल क्या होगा, ये पूरा है एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। तो जब मैं एंगल 2 का डबल करूंगा तो यहां से यहां तक का एंगल आ जाएगा, क्या नाम हो गया, एबीसी, ये देखिए एबीसी। और जब 3 का डबल करेंगे तो ये पूरा नाम आ जाएगा क्या, एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी, ये देखिए। जैसे ही आपने डबल किया तो इनका नाम आ गया, ठीक। तो अब बताइए 2 का डबल एबीसी हो गया, 3 का डबल बीसीडी हो गया। जब ये दोनों ऑल्टरनेट थे तो इनके डबल भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट। ये देखिए ये पूरे पूरे एंगल भी क्या हो गए, ऑल्टरनेट। और ये कौन सी लाइन को टच कर रहे हैं, एबी को, और ये किसको टच कर रहे हैं, सीडी को। तो क्या लिखूं, बट दीज आर आल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखूं, देयरफॉर एबी पैरेलल टू सीडी, एबी पैरेलल टू सीडी। कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझ लीजिए। फिर से एक बार आपने क्या किया, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू के, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर एस के। फिर आपने कहा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, रिफ्लेक्शन रे रिफ्लेक्टेड रे
नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है, और फॉर्मूला आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 1 2 के इक्वल होगा, इस मिरर के लिए 3 4 के इक्वल होगा। फिर आपने कहा ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर, जिन लाइनों के परपेंडिकुलर है वो लाइनें खुद आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर भी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो लाइंस परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस, ये लाइंस परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ही आपको पता चला कि ये नॉर्मल पैरेलल है तो आपने कहा 2 का क्रॉस में एंगल थ्री किसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। आपने डबल कर दिया, 2 का डबल ये पूरा नाम ए बी सी, और 3 का डबल यहां से यहां तक पूरा नाम बी सी डी। अब ये ऑल्टरनेट थे तो इनके डबल भी ऑल्टरनेट हो गए, और ये जिन लाइनों को टच कर रहे हैं उसका नाम ए बी और सी डी है, तो ए बी लाइन किसके पैरेलल हो गई, सी डी के पैरेलल। देख लीजिए आराम से, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा रोक रखा था क्योंकि साइंस इसमें मिक्स हो रही है, इसलिए मैंने इसको रोक लिया था और मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, अच्छे से करिएगा, पीछे पड़ जाइएगा इस क्वेश्चन के, पीछे पड़ जाइएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन पक्का हो जाए, 4-5 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे दिमाग से बिल्कुल टेंशन निकल जाए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, 2-3 लाइनें समझ लीजिए अच्छे से। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, आइए उनको कंप्लीट करते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप इस चैप्टर की करेंगे ये चैप्टर आपका उतना पक्का हो जाएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा में, 1 एंगल 3 थ्राइस ऑफ एंगल ए, 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी और 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। ये तीनों रिलेशन आपस में इक्वल है, एंगल ए का ट्रिपल, एंगल बी का 4 टाइम्स, एंगल सी का 6 टाइम्स, ये तीन रिलेशन आपस में इक्वल है, किसके इक्वल है, एक्स के। कहां से आया, आपने अपने तरफ से लेट कर लिया, लेट ये तीनों रिलेशन एक्स के इक्वल है। अब जरा इन तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, थ्राइस ऑफ एंगल ए ये भी एक्स के इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी ये भी एक्स के इक्वल है, 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। मैंने इन तीनों को एक्स क्यों माना, क्योंकि ये तीनों रिलेशन आपस में इक्वल है, तो किसी ना किसी के तो इक्वल होंगे, तो मैंने कहा ये तीनों रिलेशन एक्स के इक्वल है। अब बताइए अगर एंगल ए का आंसर निकालना हो तो 3 डिवाइड में आ गया एक्स अपॉन 3, बी का आंसर निकालना हो तो एक्स अपॉन 4, और सी का आंसर निकालना हो तो एक्स अपॉन 6। अब क्या लिखूं, देखिए आपको दिया हुआ है कि ये ट्राइंगल एबीसी की तीन रिलेशन है, तो क्या लिखूं, इन ट्राइंगल एबीसी। बताइए ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। क्या लिखूं ब्रैकेट में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये थ्योरम आप प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। बताइए एंगल ए का आंसर एक्स अपॉन 3, बी का आंसर एक्स अपॉन 4, सी का आंसर एक्स अपॉन 6, बताइए इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। आइए तीनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, और इक्वल 180 डिग्री, मुझे लगता है एलसीएम 12 आएगा, 3 4 जा 4x, 4 3 जा 3x, 6 2 जा 2x, 4 + 3 7, 7 + 2 9x, और ये 12 चला गया क्रॉस में, x की वैल्यू हो गई 180 × 12/9, 9 का टेबल काट दिया और x की वैल्यू 240 आ गई, ये x का आंसर आ गया, x का आंसर आया। अब तीन एंगल निकालने हैं, तो बताइए एंगल ए का आंसर होगा x अपॉन 3, 240/3, बोलो कितने डिग्री, 80 डिग्री। बी का आंसर होगा x अपॉन 4, 240/4, बताओ क्या आंसर आ गया, 60 डिग्री। एंगल सी का आंसर होगा x अपॉन 6, 240/6, बताओ क्या आंसर आ गया, 40। जरा इन तीनों को प्लस करना, 80 + 60 = 140, 140 + 40 = 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये तीन रिलेशन आपस में इक्वल थी, ये तीनों किसके इक्वल थी, मैंने उस तीनों का एक ही आंसर मान लिया एक्स, फिर मैंने इन तीनों को अलग अलग लिखा, ये तीनों के तीनों अलग अलग एक्स के इक्वल है, ठीक है। ऐसे एबीसी का आंसर आ गया, सम प्रॉपर्टी से हमने एक्स का आंसर निकाला, इन तीनों में वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास तीनों आंसर आ गए, ठीक है। खूब बढ़िया क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार कई टीचर इसको दे चुके हैं अपने स्कूलों में। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम चैप्टर को और अच्छे से पक्का मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, कोई ऐसी कसर हमारे से रह जाती है, राइट। टेस्ट के लिए आप तैयार रहेंगे, पहले रिवीजन चल रहा है, उसके बाद आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा, एमसीक्यू हम आपको 1 या 2 दिन बाद भेजेंगे और फिर जल्दी से आपका टेस्ट होगा।
इतने हम अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। आइए इसकी फिगर बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की फिगर, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है और ए परपेंडिकुलर है बीसी के। ये देखिए, ये देखिए मैंने बनाया डायग्राम, ये सी, ये बी और इस पॉइंट का नाम ए और ए पॉइंट पर एंगल 90। अब मैंने ए ऊपर क्यों लिया, क्योंकि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है एल। लीजिए बताइए किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बीसी के परपेंडिकुलर है। कहता है प्रूफ करके दिखाओ एंगल बी है, मेरा एंगल बी है किसके इक्वल होगा, एसीबी के, एसीबी के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका नंबर 1 डाल देते हैं, इसका नंबर 2 डाल देते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल एबीएल, इन ट्राइंगल एबीएल जरा देख के बताइए इस एबीएल में तीन एंगल कौन कौन से हैं, एक 1 है, एक बी है और एक 2 है। बताइए इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। ये छोटा सा लेफ्ट साइड का ट्राइंगल देखिए, बताइए एंगल 1 का तो हमें कुछ आंसर मालूम नहीं है, बी का नाम बी ही लिख देते हैं कुछ मालूम नहीं है, 2 की वैल्यू कितने डिग्री पुट करो 90, क्यों पुट किया 90, ब्रैकेट में लिख दीजिए ए एल लाइन बीसी के परपेंडिकुलर है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आप एंगल 1 को तो यहीं छोड़ दीजिए और इन दोनों को उधर ले जाइए, 180 माइनस 90 माइनस बी। जरा एंगल 1 का असली नाम बताइए, एंगल बी ए एल, 180 में से 90 गया 90 माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ दीजिए। क्या किया, लेफ्ट साइड का ट्राइंगल लिया, तीनों का सम 180 किया, एंगल 2 की वैल्यू क्या मालूम थी 90, अब इन दोनों को इधर जाकर बी और 90 को इधर आकर माइनस कर दिया, एंगल 1 का आंसर आ गया 90 माइनस बी। 1 का पूरा नाम क्या है, एंगल बी ए एल। ठीक है, अब पूरा ट्राइंगल लेते हैं, क्या नाम है पूरे ट्राइंगल का, ए बी सी। आइए बताइए ट्राइंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये देखिए खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये जो हमने आपके सामने लिखे हैं। अब बताइए ए की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा, 90, भूल जाते हैं बच्चे, आप चेक करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए कितने डिग्री का है 90, एंगल बी का आंसर मालूम नहीं है, सी को सी ही लिखा हमने और ये 180। ठीक है, अब एंगल सी की वैल्यू निकालने के लिए इस 90 को भी उधर ले जाओ और इस बी को भी उधर ले जाओ। ठीक है, सी का पूरा नाम बताओ, ए सी बी, बताओ 180 में से 90 क्या 90 माइनस का एंगल बी। ये देखो ए सी बी, ए सी बी, सी का पूरा नाम ए सी बी क्यों लिखा, क्योंकि आंसर में भी ए सी बी आया। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। क्या आप में से कोई बच्चा जल्दी से ये सोच सकता है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको क्या कॉमन बात नजर आ रही है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की राइट हैंड साइड सेम है, दोनों इक्वेशन की अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली सेम होगी। क्या लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, एंगल बी ए एल एंगल ए सी बी के प्रूव हो गया इक्वल। देखिए लेफ्ट साइड का ट्राइंगल लिया, तीनों का सम 180, एंगल 1 का आंसर निकाल लिया, 1 कौन है बी है, ये रहा बी है, पूरा ट्राइंगल लिया तीनों का सम 180, सी का आंसर निकाल लिया, सी कौन है ए सी, ए की वैल्यू क्या थी 90, यहां पर एंगल 2 कितना डिग्री का था 90। ठीक है, अब बस ए सी बी निकालने के, जो आंसर बी एल का आया वही आंसर ए सी बी का आया, जब इन दोनों का आंसर ही सेम है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो देखिए प्रूव हो गया। ठीक है, आगे समझ में, चले आगे, चलिए और तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ का सम 360 प्रूफ करना है, मुझे लगता नहीं कि इतना मुश्किल क्वेश्चन है। पहले ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी ई, दिखाई दिया आपको ट्राइंगल ए सी ई, ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ए सी ई, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ए सी ई पर नजर रखो, बस ए सी ई पर तीन एंगल बताओ कौन कौन से हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है सी, एक का नाम है ई, बताइए तीनों का सम क्या होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये देखिए ठीक है, अगला वाला ट्राइंगल लेते हैं बी डी एफ, दूसरा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का नाम लिखा
इन ट्राइंगल BDF। बताइए BDF में तीन एंगल कौन कौन से हैं, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F, इन तीनों का सम भी कितना 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इस इक्वेशन का नंबर 1 डाल देते हैं, इसका नंबर 2 डाल देते हैं और जल्दी से इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड। आइए ऐड करें, A प्लस देखो C प्लस E प्लस कौन सा नाम B प्लस बोलो कौन सा नाम D प्लस F और इस साइड आओ तो 180 प्लस 180। जरा देखना A B C D E F ये रहा सब ये रहे। और बताइए 180 प्लस 180 क्या हो गया 360 डिग्री ट्रूड हो गया। कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, सिंपल भी और क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ही। देखिए ऐसे दिमाग लगाते हैं जल्दी से, आंसर के ऊपर नजर रखते हैं। मैंने यहाँ पर भी आंसर पर नजर रखी थी, उसी हिसाब से मैंने दो ट्राइंगल लिए थे। यहाँ देखो तीन एंगल इस ट्राइंगल के आ रहे हैं, तीन एंगल इस ट्राइंगल के, छह एंगल, तो मैंने दो इक्वेशन बनाकर ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कई बार बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन आया है, अभी हम लोग 9th में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। 9th में तो कई स्कूलों ने इस क्वेश्चन को दिया। जरा ध्यान से डायग्राम देखना, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर, ये देखिए सबसे पहले तो मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, एक ये देखिए। अब ट्राइंगल की तीन साइड्स ऑर्डर से प्रोड्यूस करते हैं, पहले इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, लो इसको प्रोड्यूस करते हैं, पॉइंट का नाम पी लिखते हैं। देखो बाहर एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्मड, देखो इस लाइन को प्रोड्यूस किया, देखो इसका नाम क्यू लिख दिया, एक और एक्सटीरियर एंगल बन गया। इस लाइन को प्रोड्यूस किया, इसका नाम आर लिख दिया, एक और एक्सटीरियर एंगल। कितने एक्सटीरियर एंगल बन गए, तीन। आपको प्रूफ करना है इन तीनों का सम कितना होगा 360 डिग्री, इन इन तीनों का सम जो बाहर एक्सटीरियर में एंगल बने। ठीक, आइए शुरू करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये 4। और अब जरा मैं ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं एबीसी। अब जरा बताइए ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो कौन बताएगा इसके दो अपोजिट एंगल कौन से होंगे। साथ वाला तो लीनियर पेयर होगा, उसे छोड़ दो, तो बाकी दो अपोजिट कौन कौन से बचे, एक बी और दूसरा सी। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखूं, एक्सटीरियर एंगल पी ए, इसके दो अपोजिट एंगल कौन कौन से हुए, एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, चलो कौन सी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अभी इसका रीजन लिखेंगे, ये देखो अब जरा इस वाले पर आ जाओ, इस एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है, क्यू बी सी। क्या लिखो, एक्सटीरियर एंगल क्यू बी सी, यही तो थ्योरम है। ये अपने दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, साथ वाला तो लीनियर पेयर है, उसे छोड़ दो, बाकी के दो कौन कौन से बचे, एक बचा एंगल ए और एक बचा एंगल सी। कौन सी इक्वेशन हुई, सेकेंड। अब आ जाओ तीसरे पर, ए सी आर, एक्सटीरियर एंगल ए सी आर, इसके दो अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, एक तो एंगल ए और दूसरा एंगल बी। कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड। तीनों के लिए एक ही रीजन आएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ये देखिए ये एक्सटीरियर है तो बी और सी अपोजिट हुए, उनके सम के इक्वल होगा, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल ए और सी के सम के इक्वल होगा, साथ वाला छोड़ देते हैं, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल ए और बी के सम के इक्वल होगा, साथ वाला छोड़ देंगे तो ए और बी। कितनी इक्वेशन हो गई, तीन। अब ये इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, चलिए लेफ्ट को लेफ्ट में, पहला एंगल का नाम है पी ए बी, दूसरे का नाम है क्यू बी सी, तीसरे का नाम है ए सी आर। ठीक है, इक्वल। अब बताइए ये इन तीनों के सम के इक्वल होगा, इन तीनों के। अब जरा देखिए बी दो बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, सी दो बार आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ट्वाइस ऑफ एंगल सी, ये देखिए तीनों के सम के इक्वल होगा। क्या करें, टू कॉमन ले लेते हैं, बताओ अंदर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी। ये देखो कौन बच्चा बताएगा, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। क्यों लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। जरा 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ गया, 360 डिग्री। देखो क्या लिखा, सम किसका, सम एक्सटीरियर एंगल्स का, ये रहा एक्सटीरियर एंगल्स का सम, तीनों का सम, बताओ किसके इक्वल हुआ, 360 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में।
आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कुछ आपको लगे कि कम समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, और जिनका अभी चैप्टर 6.1 या 2 चल रहा है जरा जल्दी से कंप्लीट करिए, ठीक है, जिससे हम आपको और अच्छे से इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा सकें और MCQ सेंड कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि अब आपका संडे से पहले हम नया चैप्टर शुरू कर दें, लेकिन मुझे उस नया चैप्टर शुरू करने में तब मजा आएगा जो बच्चे अपडेट नहीं है, थोड़ा पीछे से जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि और सब्जेक्ट से आपको आजकल रिलैक्स मिला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैथ्स में ध्यान दें। कोई प्रॉब्लम हो तो उसे व्हाट्सएप पे जरूर पूछें, हम टाइम निकालकर आपको शाम के समय या दोपहर में जरूर आपको थोड़ा सा देर से सही लेकिन जरूर आपका सोल्यूशन भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।